नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं आपके साथ। मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें बहुत तेजी से आपको दिखाते हैं न्यूज 50 में। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। देर रात 3:30 बजे शुरू हुआ था एनकाउंटर। एक घर में छिपे हुए थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर कर मार गिराया। जीडीपी पर नोटबंदी का बुरा असर, वित्त वर्ष 2016-17 में 7.1% रही विकास दर, पिछले साल के मुकाबले 0.8% की गिरावट। नोटबंदी का जनवरी मार्च की तिमाही पर पड़ा सबसे बुरा असर, चौथी तिमाही में विकास दर सिर्फ 6.1% रही। कृषि को छोड़कर सभी सेक्टर्स के विकास पर पड़ा नोटबंदी का असर, सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की दौड़ में भारत चीन से पिछड़ा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं मोदी, ये तीसरा पड़ाव है। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी के होटल के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़, पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर किया अभिनंदन। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। स्पेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने की आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील, स्पेन के किंग फिलिप और राष्ट्रपति से मुलाकात की। पीएम मोदी के स्पेन दौरे के दौरान हुए 7 समझौते, दोनों देशों में साइबर सिक्योरिटी, एविएशन और रिन्यूएबल एनर्जी पर सहयोग के लिए सहमति बनी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, गोहत्या पर उम्र कैद की सजा का भी सुझाव दिया। जस्टिस शर्मा ने राजस्थान सरकार को दिया आदेश, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र के सामने पहल करने को कहा। जस्टिस शर्मा ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला केस पर 7 साल बाद सुनाया फैसला, गौ संरक्षण के लिए दिया वेद और उपनिषदों का हवाला। रिटायरमेंट के दिन जस्टिस शर्मा ने मोर को बताया ब्रह्मचारी, कहा मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है मोरनी। मवेशियों पर केंद्र के नोटिफिकेशन को लेकर दखल नहीं देगा केरल हाईकोर्ट, कोर्ट ने कहा अधिसूचना से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपी सिंह की बेंच ने किया दखल से इनकार, कहा नोटिफिकेशन से बीफ की खरीद या खपत पर कोई रोक नहीं लगी। मद्रास हाईकोर्ट लगा चुका है केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक, 4 हफ्ते तक रोक लगाकर केंद्र से जवाब मांगा है। मवेशियों पर बैन को लेकर केंद्र का नया कानून लागू नहीं करेगा त्रिपुरा, राज्य के कृषि और पशु मंत्री अघोर देव वर्मा का बयान। अयोध्या में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा बातचीत से निकलेगा राम मंदिर निर्माण का रास्ता, यूपी सरकार हर पहल करने को तैयार है। अब गंगा आरती की तरह अयोध्या में होगी सरयू आरती, योगी ने सरयू के घाटों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का ऐलान किया। आज राजघाट जाएंगे दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लगाया विधानसभा में मारपीट करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने किया मारपीट से इनकार, कल दिल्ली विधानसभा में हुआ था हंगामा, मार्शल ने कपिल मिश्रा को सदन से बाहर किया। रद्द हो सकता है तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन, गलत जानकारी देने के आरोप में भारत पेट्रोलियम ने भेजा है नोटिस। बीजेपी ने की तेज प्रताप के इस्तीफे की मांग, सुशील मोदी बोले रोज के खुलासों से बदनाम हो रही है बिहार सरकार। ताइवान में प्लेन हादसे में हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत, केंद्र सरकार ने आरटीआई के जवाब में दी जानकारी। गुनामी बाबा और भगवान जी के नाम से मशहूर व्यक्ति नहीं थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केंद्र ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में लगातार 3रे साल भी महिलाओं ने मारी बाजी, कर्नाटक की नंदिनी के आर ने टॉप किया। 2016 की परीक्षा में अनमोल शेर सिंह बेदी दूसरे और जी रोनकी तीसरे नंबर पर रहे, 1099 प्रतियोगियों ने पास की परीक्षा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के पास बम धमाका, 80 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल, सभी भारतीय सुरक्षित। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता का बयान, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन वाले हक्कानी नेटवर्क ने किया हमला। पेरिस के मशहूर एफिल टावर ने बुझाई बत्तियां, काबुल धमाके में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया। फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 1 रुपए 23 पैसे और डीजल 89 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ।
गोवा पहुंचकर मॉनसून, दक्षिणी गोवा में 62 मिलीमीटर तक बारिश, अगले दो दिन में भारी बारिश होने का अनुमान। इम्फाल में मोरा तूफान के बाद भारी बारिश से नदियां उफान पर, लोगों ने पानी को रोकने के लिए नदी किनारे लगाई रेत की बूंदियां। बंगाल की खाड़ी में फंसे 18 बांग्लादेशियों को भारतीय नौसेना ने बचाया, मोरा तूफान में फंसे थे लोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैरुल हसन रिजवी ने तीन तलाक को बताया गलत, कहा हर कोई तीन तलाक को गलत मानता है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पास हुआ जीएसटी बिल, टैक्स की दरों से नाखुश है दिल्ली सरकार। इनकम टैक्स कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, याचिका स्वीकार लेकिन आईटी की कार्रवाई पर रोक। दिल्ली में मारे गए ई रिक्शा ड्राइवर रविंद्र कुमार की पत्नी से मिली उत्तरी दिल्ली की मेयर, रविंद्र की पत्नी को डेली वेजेस पर नौकरी दी। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के किसानों की हड़ताल, दूध और सब्जियों की सप्लाई पर होगा असर, कर्ज माफी और किसान पेंशन जैसी मांग कर रहे हैं किसान। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किया सीबीएसई की टॉपर को सम्मानित, रक्षा गोपाल ने 12वीं क्लास में टॉप किया है। यूपी के सीतापुर में सप्लाई इंस्पेक्टर ने की राशन कार्ड धारकों की से गाली गलौज, गांव वालों ने राशन में गड़बड़ी की शिकायत की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही, मिठाई की दुकान को सील किया, दुकान के अंदर घंटों फंसे रहे 10 मजदूर। यूपी के बिजनौर में दहेज के लालच में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपी फरार। रांची पुलिस ने गिरफ्तार किए पीएलएफआई के 6 उग्रवादी, देसी कट्टा, बंदूक, एयरगन समेत कई हथियार मिले। इलाहाबाद में एक फ्लैट से मिले 60 लाख रुपए के पुराने नोट, पुलिस ने पुरानी करेंसी के साथ 4 लोगों को पकड़ा। इंग्लैंड में आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड से भिड़ेगी बांग्लादेश की टीम, दोपहर 3 बजे से मैच। आज अपने दूसरे साथी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड सौंपेगी पेगा विट्सन, पेगी ने स्पेस में सबसे ज्यादा समय बिताया है। एक वीडियो में स्वच्छता का संदेश देती नजर आई अनुष्का शर्मा, स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को घर में शौचालय बनाने की अपील करती दिखी।